नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करती हूँ सेफ और अच्छे होंगे। आज का मेरा वीडियो है नॉस्टर्शियम प्लांट को कैसे सीड से ग्रो करें। देखिए, इसके सीड्स इतने बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं इसके सीड्स। आप मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर आप, ये तो मैंने लास्ट ईयर का ही हार्वेस्ट किया हुआ था, उसी से मैं ग्रो कर रही हूँ। मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे ग्रो करते हैं। इसके लिए आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। ये तो मेरा पहले दूसरा प्लांट था, इसमें वही मिट्टी मैंने ले लिया है। कोई भी खाली गमले हो, उसमें कोई भी मिट्टी हो, आप वो ले सकते हैं। लेकिन मिट्टी थोड़ा भुरभुरी होनी चाहिए, ज़्यादा सख्त ना हो। और इसको मैंने पहले से ही पानी डाल दिया हुआ है, नीचे में पानी डाला हुआ है। कोई भी मिट्टी आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको रेत कंपोस्ट या फिर कुछ भी मिक्स करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है और हैंगिंग प्लांट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। और ये मेरा ऑरेंज कलर का है, लास्ट ईयर में नर्सरी से ख़रीद के लाई थी, ऑरेंज कलर का था, तो उसी का मैंने सीड ये रख लिया था। इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे ग्रो करना है। देखिए, ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। ये मैंने चारों तरफ स्प्रेड कर दी, यहाँ डबल हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने सीड ऐसे सो कर दिया है। अब आप इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। आप इसको ऐसे इवनली स्प्रेड कर दीजिए। अब इसमें पानी डालना है। ये पानी मैंने डाल दिया है। इसको आप कहीं भी नमी जहाँ हो, छांव जहाँ हो, वहाँ पे रख दीजिए। ये 4 से 5 दिन में छोटे छोटे स्प्राउट निकलने लगते हैं। और जब इतना बड़ा स्प्राउट हो जाए तो आप इसको ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे सुबह का 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का धूप मिलता हो। डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, दिन वाले सनलाइट में, क्योंकि ये छोटे छोटे 2 पत्ती निकलती है, उसके बाद लंबा सा स्टेम निकलता है, वो ख़राब हो सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। तो ऐसे जगह में रखिए जहाँ पे धूप 2 से 3 घंटे, सुबह की 2 घंटे की धूप हो। ऐसे जगह में जब ये स्प्राउट निकल जाए, इतने बड़े हो जाए, तब रखिएगा। अब इसको छांव में रख दीजिए या आप बड़े गमले के नीचे रख दीजिए जहाँ पे नमी बनी रहे। और जब ये 15 दिन का हो जाए, ये 4 से 5 दिन में स्प्राउट निकलने लगता है, और जब ये 15 दिन में इतने बड़े हो जाए, तो इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जैसे गोबर खाद का जो बनाते हैं, उसको आप इसमें साइड से डाल सकते हैं, ताकि इसको फर्टिलाइज़र मिल जाए और ये अच्छे से ग्रो हो पाए। और जब ये थोड़े बड़े बड़े इतने बड़े हो जाएँ, तो आप इसको दूसरे गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़रूर, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि अगला वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय बाय।